गुड मॉर्निंग ओम शांति। आज आपका 164वें दिन का ये शुभ वरदान, और इसके पहले कि हम इस वरदान में जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस लिंक को क्लिक करें और यहाँ पर आप योगासन, फिटनेस और डाइट के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। तो चलें आगे। इस वरदान में परमपिता परमात्मा हमारे जो मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, हमारा मूड कभी बहुत ही एक्साइटमेंट में होता है और कभी बहुत ही उदास हो जाता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं किसी चीज़ को प्राप्ति होने से, या कोई चीज़ खोने से हम बहुत ही सैड हो जाते हैं। तो इसका राज क्या है और इसको हम कैसे निपटाएं, और हम सदा एक ही मूड में, एक ही मन बुद्धि की एकाग्रता में कैसे रहें हमेशा। तो देखिए आज बाबा कहते क्या है इस वरदान में। परमपिता परमात्मा कहते हैं, याद के आधार द्वारा, याद मतलब योग, योग मतलब याद, एक ही चीज है। राजयोग मतलब परमपिता परमात्मा को मैं आत्मा याद कर रही हूँ। आप आत्मा अपने आप को समझ करके परमात्मा को जब याद करते हैं तो उनसे हमें एनर्जी आनी शुरू करती है। इस फोटो से एनर्जी नहीं आती है, आती है परम धाम से, परमात्मा जहाँ बैठे हैं वहां से एनर्जी आती है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले। माया तो क्या है? माया तो आपके अंदर की कमी कमजोरियां हैं, मेरे अंदर की कमी कमजोरियां हैं, हमारे अंदर जो भी वीकनेसेस हैं, चाहे वो हमारे अंदर घृणा हो, चाहे आलस्य हो, अलबेलापन हो, चाहे हमारे अंदर किसी के अंदर बुराइयों देखने की आदतें हों, चाहे बुराइयों सुनने की आदतें हों, चाहे हमारे अंदर और उससे अपने आप को तुलना करने की आदतें हों, ये सारी आदतें जो हैं हमें बहुत ही दुखी बनाती हैं, हमें संतुष्ट रहने नहीं देती। तो बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ माया है। उसके साथ में बड़े स्वरूप में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सारी चीज़ें ही माया है। तो परमात्मा कहते हैं, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले, इन सारे संकल्पों से परे रहने वाले, क्योंकि आत्मा ही संकल्प जब तक अपवित्र नहीं करती तब तक मूड ठीक है। जैसी आत्मा के अंदर, मन के अंदर संकल्प, आप एक आत्मा हो, आपके अंदर ही मन है और बुद्धि है, आपके मन के अंदर कीचड़ा चलना शुरू हुआ, अपवित्र संकल्प चलने शुरू हुआ, आपका मूड वैसे ही डाउन होगा, बिकॉज ये है नेगेटिव एनर्जी, इम्प्योर एनर्जी। तो आप ही रचयिता हो उस ऊर्जा के, तो वो ऊर्जा को सदा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपका साथी संबंधी बहुत ही अच्छा हो, हमेशा हंसमुख हो, हमेशा खुश रहे, तो उस साथी के साथ में घूमने का मजा आता है। आप हमेशा चाहते हो कि उसके साथ आप रहो और उससे सारी जो एनर्जीज मिलती हैं उसका आपको मजा आता है। तो यहाँ पर साथी कौन है? यहाँ पर परमात्मा को साथी बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा के ऊपर निर्भर होंगे कि मेरा मूड उनके अनुसार चले, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, साथी संबंधी हो, तो वो पॉसिबल नहीं है 24/7। लेकिन एक केवल है जो कि 24/7 24 घंटे 7 दिन आपके साथ में रह सकता है। तो इनके साथ में योग लगाना। फिर बाबा कहते हैं, इसको परे रहने वाले सदा चेयरफुल भवा, तभी जाकर के हम चेयरफुल रह पाएंगे। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिचुएशंस तो आती हैं, हर दिन आती हैं, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप के ऊपर तो तभी छोड़ेंगे ना जब उनकी याद आएगी। कोई साथी संबंधी कब याद आता है? जब हम उन पर निर्भर होते हैं, या हम सोचते हैं कि उनके अंदर गुण हैं या शक्तियां हैं जिसके द्वारा कि वो हमारी प्रॉब्लम को सफल या सॉल्व कर पाएंगे या सुलझा पाएंगे। तो यहाँ साथी संबंधी कौन है? 24 घंटे वाला, 7 दिन वाला, यहाँ पे परमपिता परमात्मा है। तो उनके ऊपर छोड़ना मतलब ये नहीं कि छोड़ ही दिया, छोड़ना मतलब कि परमपिता परमात्मा, अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते, मतलब उनकी याद में आना, तब जा करके उनकी जो क्वालिटीज़ है, जैसे वो साथी की क्वालिटीज़ और गुण जो हैं वो याद आते हैं, वैसे परमात्मा की जो क्वालिटीज़ और वो गुण है वो हमारे अंदर आने शुरू आते हैं। हम मेडिटेशन में नेचुरली चले जाते हैं, तो उससे हम अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर के जो ये आंखें नहीं दे सकती, कान नहीं सुन सकते, वो सारी चीज़ें हम छठी इंद्री से पहचान जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। फिर बाबा कहते हैं, जिगर से कहो बाबा, बाबा मतलब गॉड फादर, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है, दिल से कहना ही जादू है। परमात्मा पिता को, भगवान को जादू कर कहते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं कहते हैं, है ना, मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, मैं मुर्दे को जिंदा नहीं करता, लेकिन जो आत्मा अंदर से मुर्दा है, जो कि जिसके अंदर बिल्कुल ही विवेक नहीं है, जो संतुष्ट नहीं है, जो खुश नहीं है, जिसका मूड हमेशा ऑफ रहता है, जिसके अंदर ऊर्जा नहीं, मैं उस मरी हुई आत्मा को, आत्मा तो मरती नहीं है लेकिन वो सिचुएशन में रहने वाली, उस स्टेट में रहने वाली आत्मा को मैं जागृत कर देता हूँ, मतलब उसको जगा देता हूँ, उसको फिर से जिंदा कर देता हूँ, तभी मुझको जादूगर कहते हैं, बाबा कहते हैं। तो माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है।
जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स या तो बड़ी हो जाएंगी या तो फिर बाप बड़ा हो सकता है, या तो परमात्मा बड़े हैं या प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, चॉइस आपके पास है। फिर बाबा कहते हैं माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। कमल पुष्प के समान मतलब बिल्कुल मैं न्यारा प्यारा, प्रॉब्लम्स हैं कीचड़ है लेकिन कमल क्या रहता है, कीचड़ में रहता है, प्रॉब्लम्स में रहता है लेकिन कैसा रहता है, ऊपर रहता है। तो प्रॉब्लम्स तो हर किसी के जीवन में, हर एक घर के अंदर प्रॉब्लम, चाहे वो धन की प्रॉब्लम हो, संबंध की प्रॉब्लम हो, शारीरिक व्याधियाँ हो, बीमारियाँ हो, हर किसी के घर में किसी ना किसी को है। तो परमात्मा कहते हैं चारों तरफ तो कीचड़ है लेकिन आप कैसे रहना चाहते हो, कमल फूल समान रहना चाहते हो न्यारा प्यारा, तो परमात्मा की याद में रहो, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो, मतलब कीचड़ को हटाते जाओ। फिर बाबा कहते हैं इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कीचड़ उछलेगा आपके ऊपर, कोई आपको बुरा कहेगा, कोई आपको भला कहेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, किसी से आपको लाभ होगा, किसी से हानि होगी, मतलब कीचड़ आ रहा है कमल के ऊपर, छिड़क के आ रहा है ऊपर, लेकिन कमल वहीं वहीं क्या होता है, उसके पीछे कीचड़ स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है। मतलब आप इतने परमात्मा से जुड़े रहो कि आपको उन सिचुएशंस, उन प्रॉब्लम्स का कोई निंदा स्तुति करे उसका आपको कोई असर ही नहीं पड़ेगा, कीचड़ जो फेंक रहा है वो फिसल जाएगा आपके जीवन से, मतलब बुद्धि में ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं। लेकिन आप अगर कीचड़ के अंदर घुस गए, क्यों बोला, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे क्यों कर दिया, किसने कर दिया, तो आप कीचड़ में जा रहे हैं, मतलब कमल फूल क्या हो रहा है, कीचड़ के अंदर जा रहा है, यानी कि भगवान के पास देखे अपना मुख लेकिन क्या कर देता है, कीचड़ की तरफ ना मुख कर देगा, तो क्या होगा सोचिए। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। हाँ ये क्या हो गया, जैसे हमने कल की वर्तमान में सुना था, क्यों क्या कैसे कब कहाँ, ये सब खत्म हो जाएगा। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। तो परमात्मा कहते हैं चेयरफुल रहना है। परमात्मा को कभी आपने सुना भगवान उदास थे, कभी नहीं सुना। तो ऐसा साथी अगर बना दें अपना जिसको आप सदा याद करें, हम मनुष्य आत्मा को याद करते हैं, अरे वो उससे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करें, भगवान कहते हैं तुम मुझको याद करो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा करना क्या है, सिंपल सी बात है। तो आप सदा चेयरफुल रह पाएंगे। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, आप भी चेयरफुल रहें, सदा खुश रहें, संतुष्ट रहें। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।